गाजीपुर में लोगों को अब इस बात का इंतजार है कि कोई ऐसा दिन तो गुजरे जब कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को न मिले। गाजीपुर जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों के मिलने का क्रम जारी है और लोगों में इसके चलते भय का माहौल भी है। शुक्रवार को गाजीपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले लगातार 3 दिन से गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिले हैं। आज मिले 10 मरीजों में से गाजीपुर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 257 हो गई है। हालांकि इसमें से 160 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो आज के नए मरीजों को जोड़ने के बाद गाजीपुर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 97 हो गई है। गाजीपुर में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कोरोना के क्रमशः 19, 20 और 20 नए मामले देखने को मिले थे। आज मिले 10 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 3 मरीजों के बारे में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वे कहां के रहने वाले हैं। आइए आपको बाकी के 7 मरीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि वे जिले में कहां के रहने वाले हैं। एक मरीज अभी बालक है, उसकी उम्र महज 8 साल है। ये बच्चा रोहली कासिमाबाद का रहने वाला है। 23 साल का एक मरीज सुल्तानपुर मरदह, 40 साल का एक मरीज सिघागर कासिमाबाद, 30 साल का एक मरीज जियनपुर कासिमाबाद का रहने वाला है। इसी तरह 35 साल के एक मरीज गांव भदर सदर गाजीपुर के रहने वाले हैं। 40 और 19 साल के 2 मरीज भरौली आला पोस्ट ताजपुर डहमा और कुरिला जखरिया के रहने वाले हैं। जिन 7 मरीजों की जानकारी मिल पाई है उनमें से हरियाणा और हैदराबाद से 2-2 मरीज आए हैं, एक गाजियाबाद से और एक मुंबई से आए हैं। एक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक मेडिकल जांच के लिए 17 जून को BHU गए थे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।